मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आईएनकॉन की ओर से राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 26वां वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। यह अधिवेशन 27 से 30 सितंबर तक चलेगा। अधिवेशन में देश और विदेश के विख्यात न्यूरोलॉजी डॉक्टर ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव का विषय है कि देश और विदेश के न्यूरोलॉजिस्ट प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तब उस समय मुझे सचिवालय में एक कक्ष मिला जिसमें बैठकर मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, लेकिन आज नया रायपुर में एक भव्य सचिवालय है जहां बैठकर मंत्री अधिकारी सभी अपने दायित्वों का उम्दा तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ अपने विकास के 18 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। छक पावर जनरेशन के साथ ही जीरो पावर कट वाला अग्रणी राज्य है। उन्होंने देश विदेश से आए न्यूरोलॉजिस्ट से नया रायपुर का भ्रमण कर प्रकृति के एहसास महसूस करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोल डिपार्ट छत्तीसगढ़ के पास है। पहले छत्तीसगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। दंतेवाड़ा और बीजापुर, जिसे घोल नक्सल इलाका कहा जाता था, आज वहां हमारे राज्य की बेटियां निडरता से रातों में भी गाड़ियां दौड़ा रही हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर से छत्तीसगढ़ आए हैं, इसलिए समय निकाल कर मैं आपके स्वागत के लिए यहां आया। छत्तीसगढ़ का आपका प्रवास बेहतर हो। छत्तीसगढ़ के लिए जो आपका भय है उसके लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ नया राज्य जरूर है, लेकिन नित निरंतर नई योजनाओं से हम राज्य में लगातार विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को अगर आपने देख लिया तो आपका यहाँ रहने का मन करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ आप आए हैं, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर संजीव थॉमस अध्यक्ष गौरव का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में आयोजित करना, ये निश्चित रूप से जब देश विदेश के 1400 ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ आए हैं तो ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और छत्तीसगढ़ और रायपुर के बारे में लोगों के मन में एक उत्सुकता रहती है, और पहला प्रश्न जब छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है तो ये प्रश्न आता है, वाई छत्तीसगढ़, क्यों छत्तीसगढ़, हम सेलेक्ट क्यों करें। आप लोगों में भी काफ़ी चर्चा बातचीत हुई होगी, छत्तीसगढ़ में ही कॉन्फ्रेंस क्यों किया जाए, क्यों हिंदुस्तान के बड़े शहरों में नहीं हो सकता बेहतर। पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ उसी पहचान को बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 14 साल 6 महीने से ज़्यादा समय हो गए, 15 साल करीब करीब मुझे हो रहे हैं, और मुझे आज भी ख्याल है जिस जहाँ सेक्रेटेरिएट बनाया गया था, सचिवालय बनाया गया था, और जो कक्ष मुझे मिला था उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक माइनर रोटी था जहाँ मुख्यमंत्री के नाते में पहली बार बैठा, और माइनर रोटी से मैंने अपने काम की शुरुआत की। अब आप देखेंगे कि नया रायपुर में एक शानदार सेक्रेटेरिएट का निर्माण, डायरेक्टरेट का निर्माण, नया एक स्मार्ट सिटी के रूप में हमने अटल नगर को डेवलप किया है, नियर अबाउट 320 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, जिसमें प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं, वो अपने आप में एक छत्तीसगढ़ के विकास को बताता है। छत्तीसगढ़ के बारे में धारणा रहती है कि पिछड़ा राज्य है, एक जमाने में था पिछड़ा, पलायन करते थे लोग, मगर आज छत्तीसगढ़ अपने विकास के 18 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। और जिन राज्यों से आप आए हैं, पूरे देश के कोने कोने से आए हैं, उससे छत्तीसगढ़ अलग कैसे है? छत्तीसगढ़ अलग इसलिए कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो न केवल पावर जनरेशन में देश में अग्रणी राज्य है, बल्कि जीरो पावर कट और करीब करीब 26,000 मेगावाट पावर जनरेशन अकेला छत्तीसगढ़ करता है, जो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पावर जनरेशन वाले राज्यों में से है, जहां कभी बिजली कटौती आने वाले 20 साल यहाँ बिजली की कटौती संभव नहीं है, जीरो पावर कट, कभी बिजली की कटौती संभव नहीं है यहाँ। आप लोग दिल्ली मुंबई से आए हैं, कोलकाता से और बाकी राज्यों से आए हैं, आपको ताजा हवा का झोंका यहाँ मिलेगा, आप 3 दिन में बहुत सारा ऑक्सीजन फ्री ले सकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना बेहतर है और पॉल्यूशन का लेवल इतना ठीक ठाक है कि आप सड़क में, मैदान में कहीं भी घूम सकते हैं। और रायपुर से थोड़ा बाहर चले जाए, नया रायपुर चले जाए, तो फिर तो देखेंगे आपकी प्रकृति।
प्रकृति बिल्कुल आपके साथ है। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत राज्य जहाँ साल है, सैगोन है, औला है, हर्रा है, बहरा है, कुसुम है, हजारों किलोमीटर आपको फॉरेस्ट मिलेगा। ऐसे शानदार जंगल हिंदुस्तान के कहीं किसी एरिया में दुनिया में नहीं होगा। छत्तीसगढ़ एक स्टेट है जो अपने पैरों में खड़ा हुआ है। आपको सुन के ताजुब होगा कि हिंदुस्तान या छत्तीसगढ़ का लगता है, आपके गर्व में लगता है। 16% सीमेंट का प्रोडक्शन हम करते हैं पूरे देश में पैदा करने का। एल्युमिनियम 18% हम पैदा करते हैं और 30,000 मेगावाट पावर जनरेशन करते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोल डिपॉजिट छत्तीसगढ़ के पास है, आयरन ओर हमारे पास है, हमारी स्ट्रेंथ है। पर राज्य के निर्माण के समय एक नया रीजनल इम्बेलेंस का शिकार इलाका था। आप यदि 2000 में छत्तीसगढ़ आए हो, 2005 में छत्तीसगढ़ आए हो, 2010 में आए हो, उससे धीरे 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 काफी परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया। अब सारे नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं, IIT यहाँ पे है, IIM यहाँ पे है, NIT यहाँ पे है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, और ऐसे अच्छे संस्थान छत्तीसगढ़ में। 2 मेडिकल कॉलेज हमने शुरुआत किया, 10 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में हो गए। IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, ये लड़ाई हमारी बड़ी लड़ाई है। क्योंकि आप यदि छत्तीसगढ़ आए होंगे तो सबसे पहले प्रश्न आपके मन में हुआ कि एयरपोर्ट में पहुंचते ही कोई नक्सली तो नहीं मिल जाएगा, बंदूक लेके आपको घर वाले ने आपको बोला होगा कि छत्तीसगढ़ वाई रायपुर क्यों जा रहे हो रायपुर, वहां तो पेपर में रोज समाचार आते। आप न केवल रायपुर में बल्कि दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, नारायणपुर में रात को 12 बजे अकेले घूम सकते हैं। हमारी लड़कियां 20 साल की, 15 साल की स्कूटी चलाती है दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायण में रात में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे शानदार इलाका। अब वो लड़के जो कभी शिक्षक से ज्यादा नहीं बन पाते थे, वो दंतेवाड़ा, वो बीजापुर के बच्चे अडॉप्ट। परिवर्तन एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से हमने किया, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, केवल इसके जाल से बिछा दी। हिंदुस्तान का अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जो आने वाले 5 साल में 1000। अब चूंकि न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं तो मैं उस विषय में ज्यादा बोलूंगा तो आपके सामने बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ, मुझे आए हैं और छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब आप सब इतने दूर से चल के आ रहे हैं, स्वागत करता हूँ आप सब आए। मुझे खुशी है कि आप सबका ये 3 दिन 3.5 डे आप जो बिताएंगे बहुत अच्छा होगा। आप कहीं भी जाना चाहें आराम से जा सकते हैं, बिना किसी संकोच के जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, किसी गाइड की भी जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ का हर आदमी गाइड है, आपको मदद करेगा। यहाँ का जंगल सफारी देखिए, यहाँ का बॉटनिकल गार्डन देखिए, यहाँ रात के लाइट एंड साउंड का शो देखिए। जंगल सफारी में कार के अंदर बैठ के बाहर जानवर देखिए, खुले में जानवर घूमते हैं। और हमारा नया रायपुर का एक विजिट जरूर करिए, शिरपुर जाइए, और जिसको और थोड़ा आगे बढ़ना है तो जगदलपुर जाइए। चित्रकूट का फॉल अभी पूरे सबाब पे है, नेक्स्ट टू नियाग्रा, और नियाग्रा से ज़्यादा खूबसूरत यदि वाटरफॉल कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट फॉल, उससे बेहतर हिंदुस्तान में कोई वाटरफॉल नहीं है। हॉर्स शू शेप है पूरा। तो आप जहाँ भी जाना चाहें यदि आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं आपको मदद के लिए तैयार होऊंगा कि आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। और मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया था, आपको शुभकामना देने आया था कि छत्तीसगढ़ का आपका प्रवास बेहतर हो। रायपुर में भी आप आराम से घूमिए, रायपुर के सड़कों में घूमिए कहीं, क्योंकि आपके मन का जो भय है, आदमी जब रायपुर के लिए निकलता है, छत्तीसगढ़ के लिए निकलता है तो घर वाले डराते हैं कि रायपुर क्या जा रहा है, फोन करते रहते हैं। अब वो नक्सलवाद समाप्त हो जाए करीब करीब। हमारी लड़ाई नक्सलवाद से ज्यादा IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, ये बड़ी लड़ाई में हम लगे हुए हैं, जिसपे आज इंडिया में सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है, आप आंकड़े देखेंगे तो इन तीनों आंकड़ों को हमने बहुत अच्छे से अचीव किया है। और उसके पीछे रीजन भी रहा है, मुझे कहते हैं कि ये जो खासतौर से प्रॉब्लम थे हमारे बड़े, वो भी दूर हो जाएंगे। हमने छत्तीसगढ़ के 55 लाख पॉपुलेशन, 2.5 करोड़ की आबादी है, 55 लाख परिवारों को 50,000 तक के स्मार्ट कार्ड दिए हैं। कोई भी व्यक्ति 55 लाख परिवार 50,000 तक इलाज किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सकता है। ये फैसिलिटी छत्तीसगढ़ में हमने 3 साल से लागू की है। कोई भी गरीब आदमी बिना इलाज के यहाँ पे
उसकी मौत नहीं होगी, उसको 50,000 रुपया की स्मार्ट कार्ड उसके पास अवेलेबल रहेगा। तो छत्तीसगढ़ नया राज्य जरूर है, मगर योजनाएं हम नहीं बना के नए कार्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये इस ऑडिटोरियम में आप उपस्थित हैं, और मैंने संजय से कहा भी था कि ऐसे ऑडिटोरियम हमने इसलिए बनाए हैं कि इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ होते रहे, सेमिनार होते रहे, और ये आपके लिए बना है, छत्तीसगढ़ के लिए और पाकिस्तान जो बाहर से आते हैं उनके लिए उस स्तर का नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने बनाया, ताकि ये छत्तीसगढ़ को देखें, समझें। और एक बार आप छत्तीसगढ़ को देख लिया, समझ गया, तो आप यहाँ फिर रहना पसंद करेंगे। और मैं चाहता हूँ न्यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में आके बसे, यहाँ रहें। हमारे लिए भी कमी है, हमारे पास गिनती के 14 लोग हैं, तो हम तो चाहेंगे एक बार आप रायपुर घूमिए और फिर मुझे बताइए, आपके रहने की व्यवस्था भी मैं करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व वार्षिक दिवस मनाया मुख्यमंत्री, ये न्यूरोलॉजी का 26वां वार्षिकोत्सव है, और हर साल ये कॉन्फ्रेंस कहीं भी ना कहीं किसी बड़े शहर में होती है। इस बार बहुत हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ को मौका मिला ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए। देश विदेश से तकरीबन 1400 न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जो न्यूरोलॉजी संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में बात करेंगे। और न्यूरोलॉजी का रेंज सब्जेक्ट का काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे बच्चों को होने वाली बीमारियों से लेके ओल्ड एज में जो डिमेंशिया बोलते हैं, जो याददाश्त खो जाती है, उससे चालू करके मिर्गी, सिर दर्द, लकवा, तो ऐसे तमाम जटिल रोगों के इलाज के लिए 3.5 दिन तक हम लोग सघन चर्चा करेंगे। इसमें अमेरिका से, यूके से, बेरूत से, यहाँ से, श्रीलंका से, तमाम देशों से लोग आए हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से, जो इन बीमारियों के बारे में इंडियन न्यूरोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिला के बात करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जिसके बारे में अपन कुछ कर सकते हैं वो पक्षाघात है या लकवा है। उसके रिस्क फैक्टर जो हैं, मोटापा है या ब्लड प्रेशर है या आपका खान पान ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रोक के लिए प्रोन करती है। इससे बच के रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो तीसरी महामारी का तीसरा कारण है। देखिए, धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे, वैसे ही देश में न्यूरोलॉजिस्ट की कमी है। फिर छत्तीसगढ़ में यूजुअली सेचुरेशन सब स्पेशलिटी का बाद में होता है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट बड़े जल्दी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और तेज़ी से प्रैक्टिस करेंगे। अभी एम्स में 2 न्यूरोलॉजिस्ट ज्वाइन किए हैं, और जैसे सुपर स्पेशलिटी चालू होगा तो मेरे को आशा है कि और न्यूरोलॉजिस्ट रायपुर में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।